नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और इस्तीफे के बाद डिप्टी सीएम की नियुक्ति को लेकर चल रही अटकलों को बुधवार को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो देखेंगे। सीबीआई ने 2021-22 की दिल्ली शराब नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में रविवार को मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया था। सिसोदिया ने मंगलवार को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। सिसोदिया के इस्तीफे के बाद से ही संभावित उप मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच जब सीएम केजरीवाल से पूछा गया कि क्या डिप्टी सीएम नियुक्त किया जाएगा, तो इस पर उन्होंने कहा, जरूरत पड़ी तो हम देखेंगे। दिल्ली सरकार के 33 विभागों में 18 विभाग सिसोदिया के पास थे, जिनमें स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा और गृह विभाग शामिल थे। केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि पूरे देश को दिल्ली के पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर गर्व है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में हो रहे अच्छे कार्यों को रोकने के लिए दोनों को अरेस्ट किया गया है। आपके विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक के बाद केजरीवाल ने मीडिया में बीजेपी को चुनौती देने के अंदाज में कहा, आप एक तूफान है, अब हम रुकने वाले नहीं और हमारा समय आ गया है। आपको बता दें कि कैलाश और राजकुमार को बांटे गए हैं विभाग। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के मंत्री पद से इस्तीफे के कुछ देर बाद ही अरविंद केजरीवाल ने दोनों के विभागों की जिम्मेदारी राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत को सौंप दी थी। जानकारी के मुताबिक आपने कैलाश गहलोत को वित्त, योजना, लोक निर्माण विभाग, शक्ति, आवास, शहरी विकास, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल विभाग की जिम्मेदारी दी है, तो वहीं राजकुमार आनंद को शिक्षा, भूमि, भवन, विजिलेंस सेवाएं, पर्यटन, कला संस्कृति, भाषा, श्रम, रोजगार, स्वास्थ्य और इंडस्ट्रीज विभाग सौंपा गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जीवीएन 24।